وعلى آله وصحبه وعلى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <applause> وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم सरायाल इमरान आयत नंबर 121 बात चल रही है चार उसूल बयान किए इससे पिछले हिस्से के अंदर बात हुई थी खुलिया अहल किताबून सबी आयत नंबर 99 में के ये जो अहल किताब हैं वो जो अहल किताब हैं ये मुसलमान अमोमिन तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं तो फिर यहाँ पर चार उस बयान किए कि जिन उसों के जरिए तुम बच सकते हो उनके गुमराह करने की कोशिश है वो चार उसूल क्या थे पहला था ईमान दूसरा था आ, किताब सुन्नत पर इत्तेहाद और तीसरा था किताब और सुन्नत की तरफ दावत देना और चौथा क्या था अपने आप को अहले किताब से और मुनाफिकीन से दूर रखना उनसे परहेज़ करना उनको राजदार ना बनाना तो जब यहाँ तक बात हुई थी फिर उसके बाद बात हो रही थी कि फ़तह के, के असबाब क्या हैं अल्लाह रबुलाजत की फ़तः कैसे मिलती है तो उसका जिक्र किया था आयत नंबर एक सौ बीस में 120 में उसका जिक्र किया था कि इन तमससुम हसनत उन तसम व इन तसिब कुम सै तो यफ्रा हु अगर तुम्हें कोई अच्छाई पहुंचती है तो इनको बुरी लगती है इन मुनाफिक को और व इन तसब कुम सैयत अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो यफ्रा हु या उस पर खुश होते हैं व इन तस्वीरु व तत्तु ला या दुरुकुम कई दो हम सैया अगर तुम सबर से काम लोगे और इख्तियार करोगे ये दो शर्तें जिक्र की थी तो ला याजरुकुम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा कई दोहम कोई भी चाल इनकी दुश्मनों की कोई भी चाल तुम्हें नुकसान बिल्कुल भी शही आ बिल्कुल भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी इन बिमा या अमलूना मुहीद क्योंकि अल्लाह ताला जो कुछ भी ये करते हैं अल्लाह ताला उसका ताता किए हुए है अब जो है वो जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अगर तुम सबर इख्तियार करोगे तो इनकी कोई भी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी तो फिर जंग उहद के अंदर शिकस्त की सूरत कैसे बन गई तो उसका जवाब दिया वन अहली का जब आप सुबह के वक्त चल रहे थे अपने घर वालों की जानिब से अपने घर वालों की तरफ से आप सुबह के वक्त रवाना हुए और तुबिना आप सिखा रहे थे ईमान वालों को या बिठा रहे थे ईमान वालों को किताल जंग के मोर्चों में सर आपकी आवाज में काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है अच्छा चलिए अब दोबारा बताइएगा थोड़ी देर में मकाकित बा, बाकी लोगों को भी सुनने में परेशानी हो, हो रही है तो वह इस गहली का तुबिन ये थोड़ी देर में दोबारा बताइएगा आवाज़ बेहतर होती है या नहीं जब आप सुबह के वक्त अपने घर वालों के पास से रवाना हुए और आप ईमान वालों को उनके मोर्चों में बिठा रहे थे वाहु सलीम और अल्लाह तूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है इज़ हम तो मिनकुम अंतफशला और जब हमत तो मिनकुम जब इज हम तो मिनकुम जब इरादा किया आप में से दो ग्रोहों ने जब इरादा किया आप में से दो ग्रोहों ने वो बनु हारसा और बनु सलेमा जो दो ग्रोह थे दो कबीले थे किस चीज़ का किस चीज़ का इरादा किया अंतफशला के वो कमजोरी जाहिर करें हालांकि युहुमा अल्लाह ताला उन दोनों का मददगार था फलून और ईमान वालों को चाहिए कि हारिसा और बनु सलेमा दो कबीले दो कबीलों के लोग मुसलमानों में से जो थे वह बेबदर व अन तुम और हालांकि अल्लाह तुम्हारी नुसरत कर चुका है बदर के मैदान में हालांकि उस वक्त तुम अज़िल्ला उस वक्त तुम कमजोर थे उस वक्त तुम्हारी तादाद थोड़ी थी लेकिन वहां पर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है तो फतरून ला तो अल्लाह का तकवा करो ताकि तुम शुक्र गुजार बंदे बन सको ताकि तुम अल्लाह का शुक्र कर सको तो अब ये देखिए जब पीछे कहा कि वह इन तस्बिर व तुरम कई दो सया एक सौ बीस नंबर आयत में कहा कि अगर सबर और तकवा को अपनाओगे तो दुश्मन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे दुश्मन तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेंगे तो फिर पहले जंगद का तस्करा कियाद कि में जो शिकस्त हुई है वो क्यों हुई है और जंग बदर में जो फतेह हुई है वो क्यों हुई है जंग उहद में तादाद ज्यादा थी फिर भी शिकस्त की सूरत बन गई और जंग बदर में तुम थोड़े थे उसके बावजूद अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है तो अब आगे उसकी वजह बयान होगी बला नहीं इस तक व बदर में भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद और नुसरत की थी हालांकि तुम कमजोर थे तो तो अल्लाह का अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको अब बदर के अंदर क्या हुआ था नबी जब आप ईमान वालों से कह रहे थे तुम्हारे लिए बात काफी नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करेगा आलाफिन तीन हजार से वो तीन हजार कौन है मिनल मिकती वो फरिश्ते हैं और मुंजलीन वो नाजिल किए जाएंगे अल्लाह की तरफ से तीन हजार फरिश्ते बला इन तस्बिरु व तत्तकु हाँ लेकिन ये काम कब होगा अल्लाह की मदद कब आएगी इन तस्बिरु व तत्तकु अगर तुम सबर करोगे और तकवा इख्तियार करोगे तो यहाँ पर भी इसका इसकी जवा इसका जवाब वही है जो ऊपर है ला याजरकुम कई दो जो एक सौ बीस नंबर आयत में है तो इन तस्बिरु व तत्तकु अगर तुम सबर करोगे और इख्तियार करोगे तो ऐसी सूरत में अल्लाह की मदद जो है वो आ जाएगी और दुश्मन तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे मिन हाजा। और दुश्मन जो है वो आ जाएंगे तुम्हारे पास अपने जोश और जज्बे में तो अल्लाह क्या करेगा युम दिद कुम रबुकुम अल्लाह तुम्हारी इमदाद कर देगा बिखम सती आला फिनमला मुसविमीन तीन हजार से तादाद और बढ़ा दी दो हजार और बढ़ा दिए 5000 हजार अल्लाह ताला जो है वो फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करेगा मुसविमीन और वो ऐसे फरिश्ते होंगे जिनके ऊपर बाकायदा जंग के निशानात होंगे ठीक है यानी कि बाकायदा जंगी साजो सामान से लेस होंगे और जंगजू किस्म के फरिश्तेल् रबुलज तुम्हारी मदद के लिए नाजिल कर देगा अच्छा इससे ये महसूस होता है कि मदद जो है वो फरिश्ते करते हैं ठीक है इससे ये क्या पता चला इससे बताइए आवाज आ रही है अब सही है आवाज जी सर आ रही है आ रही है मदद फरिश्ते करते हैं मदद फरिश्ते करते हैं तो कहा नहीं 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 वमा जाअलेहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम ये फरिश्तों का भेजना तो अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए एक खुशखबरी बनाया है रब्त रब्त की समझ आ गई है जी सर जी सर इन्ना भी। ये मत समझना के मदद फरिश्ते करते हैं ये फरिश्तों का भेजना तो अल्लाह ने सिर्फ तुम्हारे लिए खुशखबरी बनाया है ताकि तुम्हारे दिल फरिश्तों के आने की वजह से मुतमिन हो जाए वरना असल बात तो ये है कि वमन निन आजीज अल हकीम के मदद तो नहीं होती मगर सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से होती है जो अल है बड़ा जबरदस्त गालिब है और वाला है जी समझ आ गई बात फरिश्तों से मदद तलब कर सकते हैं फिर अब हम नहीं नहीं, नहीं लिया अच्छा अब तुम्हारी मदद क्यों की तो कुम, यहां पर हम एक लफ्ज निकालेंगे अल्लाह ने तुम्हारी मदद इसीलिए की लियकता ताकि खत्म कर दे कत कर दे खत्म कर दे तरा एक हिस्सा मिनल लदी न कफ़ारू उन लोगों में से जो काफिर हैं अक बीता हम या उनको या उनको जलीलु खार कर दे फयन कलीबू खा इबीन यानी कि या तो वो कत्ल हो जाएं या वो शिकस्त खोरदा होके तो फयन कलीबू खा इबीन शिकस्त खरदा होके नाकाम होके वापस लौट जाएं तो ये अल्लाह ने जो तुम्हारी मदद की इसके पीछे मकसद ये था कि अल्लाह तला काफिरों को जलीलु खार करना चाहता था अब फरिश्तों ने तो मदद नहीं की तो शायद अल्लाह के नबी आ सलात ने तसरफ किया शायद अल्लाह के नबी सला ने तसरुफ किया तो अल्लाह के नबी सलाम से तसरुफ की नफी करेंगे और फिर उसके बाद तोहीद का इस बात होगा सलाका मिनल अमरीश उन ए नबी करीम सलम आपका कोई इख्तियार नहीं है इस मामले में अतूब इस, इस चीज़ में कि अल्लाह जो है वो इनकी तोबा कबूल करे औद बन को अल्लाह अजाब दे फमजिम बेशक ये लोग जुल्म करने वाले हैं यानी कि अल्लाह इनकी तोबा कबूल करे या ना करे अल्लाह इनको अजाब दे या इनकी तौबा कबूल कर ले इनको तोबा की तोफीक दे दे अल्लाह के नबीत इसमें आपका इख्तियार नहीं है तो फिर किसका इख्तियार है वल्ला जमीन और जमीनों आसमान की बादशाहत और जमीन आसमान में जमीन और जमीनों और आसमानों में तसरफ तो अकेले अल्लाह ही का है यग फिर दिबा जिसको वो चाहे माफ कर दे उसकी अपनी मर्जी है वो बादशाह है वो दिबैया और जिसको वो चाहे अजाब दे दे ये उसकी मर्जी है वो बादशाह है वह और बेशक अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला और मेहरबान है जब अल्लाह के नबी सला ने इन लोगों के लिए बद दुआ की तो उसके जवाब में ये आयात नाजिल हुई सलाका मिनल अमरीश उन दुआ कर सकते हैं लेकिन ये आपके इख्तियार में नहीं है अल्लाह इनकी तोबा चाहे तो कबूल कर ले चाहे तो अल्लाह इनको अजाब दे दे बात समझ आ गई वाजी ने बदुआ की थी जी जी बदुआ की थी ये उसके उसके जवाब में ये जी ओहद के बाद अच्छा जी अब जनाब शुरू होता है सूरत का चौथा हिस्सा ठीक है और अब पीछे जो है जिक्र हुए वो इस्बाब जो अल्लाह की मदद के असबाब हैं वो कौन से दो असबाब हैं जिनके जरिए अल्लाह की मदद हासिल होती है सबर तक्वा और तक्वा सबर और शुक्र किसने बताया तक्वा तक्वा सबर और तक्वा शाबाश बारक तो अब जो है वो जिक्र होगा उन चीजों का जो अल्लाह की मदद के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं यानी कि हम जिसे कह सकते हैं मान नुसरत इलाही पीछे थे असबाब नुसरत इलाही अब जिक्र होंगे कुछ मान जो वो चीजें जो कि माने बन जाती हैं रुकावट बन जाती हैं अल्लाह ताला की मदद आने में उन चंद चीजों का जिक्र होगा बाकी साथ, साथ चौथा हिस्सा हैबुआब है मेरा ख्याल तो पहला जो बाब है वो चलेगा एक सौ अस्सी नंबर आय तक चौथा जी जी सूरत का चौथा बाब है चौथा और आखिरी बाब है जी जी बताइए जी सर ये पूछी थी चौथा बब जी जी चौथा बाब है अब इसके अंदर जो है वो बात शुरू होगी सूद की मानियत से क्योंकि ये अल्लाह ताला की मदद से जो चीजें रुकावट है उनमें से बड़, बड़ी रुकावट क्या है रिबा है तो साथ साथ इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ मैं खुलासा भी बाब का जिक्र करता हूँ पहला बाब एक सौ एक अस्सी नंबर आयत तक है यादी ए वो लोग जो ईमान लाए हो सूद को मत खाओ दुगना तिगना करके बढ़ा चढ़ा कर सूद को मत खाओ तो इसका मतलब है कि बढ़ाए चढ़ाए बगैर खा लो दुगना तिगना किए बगैर सूद खा लो ये मतलब है इसका नहीं सर इसका ये मतलब नहीं है हुँ. ये आ, ऐसा होता है बाज दफ़ा के मनफी जो कलाम होता है जो कलाम मतलब नेगेटिव कलाम जो होता है उसके अंदर कोई कैद अगर जिक्र हो तो कभी ऐसा होता है कि जो नफी होती है वो सिर्फ कैद की तरफ मुतवजह होती है यानी कि सिर्फ कैद की नफी होती है इस तरह होता है कभी कभी और कभी जो है वो दोनों चीजें दोनों चीजों की नफी होती है तो यहाँ पर दोनों चीजों की नफी है मतलब सूद खाना भी नहीं है और बढ़ा चढ़ा कर को तो बिल औला नहीं खाना ठीक है तो यादी ए ईमान वालो बढ़ा चढ़ा कर सूद मत खाया करो वत और अल्लाह से डर जाओ किस तरह डर जाओ बितरक सूद को छोड़ने के जरिए यहाँ पर से डर जाओ किस तरह सूद को छोड़ दोअल कुम तुफलीहून ताकि तुम कामयाब हो सको ताकि तुम तुम्हारी तरफ तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ सके अब तखवीफ है तखवीफ तखवीफ उखरवी सूद नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा वत तकन्नातीन और उस आग से बच जाओ जो कि तैयार की गई है काफिरों के लिए ये वो लोग हैं जो कि सूद को हलाल जानते हैं क्योंकि जो बंदा सूद को हलाल समझेगा वो बंदा काफिर हो जाएगा ठीक है लेकिन एक बंदा सूद का लेन देन करता है लेकिन वो सूद को हराम समझता है तो ये बंदा गुनाह कबीरा का मरतकब जरूर है लेकिन काफिर नहीं है वाजह है बात जी सर अब शिकस्त से बचने के असबाब का जिक्रसूल और अल्लाह की इतात करो वर रसूल और रसूल की एतात करो लाला तुरहून ताकि तुम पर रहम किया जाए व सारी उला मगफिर तम और जल्दी करो एक दूसरे से आगे बढ़ो एक दूसरे से मुक़ाबला करो जल्दी करो किसकी तरफ इला मगफ़िरत मबिकुम यानी के मगफिरत की तरफ यानी के मगफरत के असबाब की तरफ मगफ़रत की तरफ जल्दी कैसे कर सकते हैं हम अल्लाह की मगफरत की तरफ जल्दी कैसे करेंगे

तो वसा रो फिर जन्नत और उस जन्नत की तरफ जल्दी करो समात जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन की चौड़ाई की तरह है तो यहाँ पर आसमानों और ज़मीन की मिसाल इसीलिए दी है कि इंसानों के नज़दीक इंसानों के, के सामने जो वसी तरीन चीज़ है वो यही है मुराद यह है कि इंतहाई वसत वाली उसकी चौड़ाई है और ये जो जन्नत है वह जन्नतिन और ये जो जन्नत है जिसकी चौड़ाई और फराखी और वसत जमीनों और आसमानों जितनी है वो इद्दत इ्दतिल्मतकी इसको मुत्तकीन के लिए तैयार किया गया है मुत्तकीन के लिए तैयार किया गया है मुत्तकीन कौन है मुत्तकीन मत्तकी व्रा मुत्तकीन वो हैं जो कि खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में फिसर्राई वसत के दिनों में आसानी के दिनों में वज्राई और मुश्किल के दिनों में भी जब ज्यादा बहुत ज्यादा माल होता है तब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं जब मुश्किल हालात होते हैं कारोबार डाउन होता है जब हालात थोड़े टाइट होते हैं तब भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं वल कामी अलग और ये गुस्से को पीने वाले होते हैं वलआफी ना अननासी और लोगों को माफ करने वाले होते हैं वाहु युहिबुलमसिन अच्छा अब यहाँ पर ना मुतकीन की दो किस्में जिक्र हो रही हैं ये पहली किस्म के लोग हैं मुतकीन में से पहली किस्म के लोग वो हैं जो महसिन है ऊंचे दर्जे के मुत्तकीन हैं बस इसमें वही लोग हैं जो कि खुशकिस्मत लोग हों बात समझ आ रही है मुत्तकीन की पहली किस्म जिक्र हुई है ये महसिन है जी उनके औसाफ क्या हैं हैंफीना अनास आसानियों में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं मुश्किल में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं गुस्से को पीने वाले होते हैं और लोगों को माफ करने वाले होते हैं ये महसिन है अब दूसरे मुत्तकीन ही की दूसरी किस्म है मुत्कीन ही की दूसरी किस्म है इसमें भी अल्लाह हमें शामिल कर दे तो बड़ी बात है इदा फालू और की दूसरी किस्म वो है कि जो कोई गुनाह कर लेते हैं जब कोई जाहरी गुनाह कर लेते हैं औ। जलमू या अपने ऊपर कोई कर बैठते हैं तो जक उनको जब अल्लाह याद आ जाता है तो फस्तक अपने गुनाहों की मकफरत तलब करते हैं अल्लाह से मकफरत का सवाल कर लेते हैं और वई फिर वो जानते हैं कि कौन है जो माफ़ कर सके गुनाहों को सिवाय अल्लाह के मतलब वो ये जानते हैं कि अल्लाह आपके अलावा कोई और गुनाहों को माफ नहीं कर सकता ठीक है जिस तरह इस्तिगफार के अंदर وانا وانا عبدك على بك من شر ما तो ये जो ये वाले किस्म के लोग हैं ये कहते हैं कि अल्लाह गुनाहों को आपके अलावा कोई और माफ़ करने वाला नहीं है तो हमें माफ़ कर दीजिए वलम यु सरु अला मा फा ये मुतकीन इसीलिए है कि बावजूद इसके कि इनसे गुनाह होते हैं लेकिन वलम यु सरु ये इसरार नहीं करते अपने गुनाह पे अपने गुनाह पे जम नहीं जाते अपने गुनाह को जस्टिफाई नहीं करते और अपने गुनाह की जस्टिफिकेशन नहीं देते वलम यु सरु अला मा फलू और वो उस चीज पर इसरार नहीं करते जो काम उन्होंने किया है वह हम अलमून और वो जानते भी हैं उला इका जजा उहम अब ये जो मुत्तकीन की दोनों किस्में हैं अल्लाह रब्बुल रबुजत की रहमत कितनी वसी है कि मुत्तकीन की इन दोनों किस्मों के लिए अल्लाह रब्बुल रबुजत अब क्या कह रहे हैं उला इका जजा उहमत इन लोगों का बदला यह है इसको कहते हैं बशारत उखर बशारत उखरवीम इन लोगों का बदला यह है इनके लिए इनके रब की तरफ से मगफरत है सिर्फ मगफरत है नहीं नहीं वो जन्ना तुम तजरी दीना फीहा और ऐसे बागात हैं कि तजरी तहतीहा तहती अश वो बागत हैं कि जिनके दरख्तों के नीचे से नहरें बहती हैं अच्छा तो इनको थोड़ी देर के लिए वहां भेजा जाएगा नई नहीं, नईदीहा नहीं, इन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे आमिलीन। तो अमल करने वालों का कितना जबरदस्त और कितना अच्छा बदला है अल्लाह ताला हमें मुतकीन में शामिल कर दे कद खलत में कबलेकुम सुन तखवीफ़े उखरवी तखवीफ़े दुनियावी तखवीफ़े दुनियावी जी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं होगी ठीक है, है साथ साथ चल रहे हैं सब लोग जी जी सर जी सर कद खलत में कबल का जिक्र हुआ तो अब मुकजबीन का जिक्र होगा के मुकाबले में मुकजबिन का तकजीब करने वाले हैं उनका जिक्र होगा कद खलत में कबल कम सुनाकन पहले भी गुजर चुके हैं तुमसे पहले ऐसे वाकत गुजर चुके हैं हलाकत के जब मुकजबीन को हलाक किया गया ऐसे वाकत तुमसे पहले गुजर चुके हैं तो फसीर उदी जरा जमीन में घूम फिर के देख लो फंजरू कई फाकानदीबीन ये नारान का शायद से इस्तदलाल करते हैं कहते हैं फ़िल अर्जी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो ठीक है जा सकते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन से तर, इस करते ही आप इसको दिल से ही मानते हैं ये बात बहुत ही अच्छी लगती है नहीं लेकिन वहां पर कोई तकजीब करने वालों के कोई वहां पर खंड तो नहीं आना तो मैं ये कह रहा हूँ कि जा सकते हैं वैसे भी जा सकते हैं इस शायद से इस्तद किए बगैर भी जा सकते हैं फकान सर जैसे एक बस आपकी बात काट रही जी जी एक सर वो एक ऐसे हमने एक वो हमने पहाड़ की चोटी देखी थी टोली पीर शायद किसी ने सुना हो तो वो उसको जब मैंने देखा तो यकीन करें दिल से ही कोई मतलब आप अल्लाह कहीं बगैर रह नहीं सकते अपने एक्सट्रीम लेवल पे एक तो बात इतनी खूबसूरत चोटियां हैं और वो ना ऊपर से हमें लगता है पहाड़ तो कौन है वो ऊपर से पूरी

इल हादा तरीबिल मुत्तकीन ये कुरान जो है लोगों के लिए बयान है और हिदायत है वह मुत्तकीन और वाज है ये मुत्तकीन के लिए मुत्तकीन के लिए ये वाज है ये कुरान वाज़ का काम देता है बुराइयों से रोक लेता है वाज है तो अब जो है जिहाद पर तरगीब है और जिहाद से सुस्ती करने की महानियत है तो वला वला तहिन सुस्त मत पढ़ो जिहाद से सुस्त मत पढ़ो बला तहजनु और गम मत करो वाल तुम मिनीन अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे अब ईमान वालों को तसली ईमान वालों को तसली है कि कोई बात नहीं अगर तुम्हें जंग उहद में तकलीफ पहुंची है तो क्या हुआ अगर तुम्हें जंग उहद में तकलीफ पहुंची है तो क्या हुआ बदर में काफिरों को भी तो तकलीफ पहुंची थी तो ये तो चलता रहता है जंग इसी का नाम है इन तम सर अगर तुम्हें जख्म पहुंचा है ओहद में तो फकद मसल कौम मिसलु। तो यहां पर से से मुराद मुराद कौन है से मुराद कुफार हैं तो काफिरों को भी तो जख्म पहुंच चुका है इसी तरह का जख्म यानी कि अगर जंग ओहद में तुम्हें तुम्हारी शहादतें हुई हैं तो जंग बदर में कुफार के भी तो बड़े बड़े सरदार जो हैं वो कतल हुए हैं तो कोई बात नहीं परेशानी की बात नहीं है वतिल कल अनुदा विलुहा भा ये तो दिन है जिनको हम लोगों के दरमियान फेरते रहते हैं कभी एक का पल्ला भारी होता है कभी दूसरे का पल्ला भारी होता है वलियाी न आ मनु तखिद अमिन कुम शहदा और ऐसा क्यों होता है अगर अल्लाह ताला हमेशा ईमान वालों को ही फतह देता होता तो मुनाफिकीन की पहचान कैसे होती तो ऐसा अल्लाह इसीलिए करता है ताकि वलियालादी न आ मनु ताकि अल्लाह ज़ाहिर कर दे ताकि अल्लाह ज़ाहिर कर दे ये मैं तर्जुमा क्यों कर रहा हूँ

जी सर अल्लाह ताला के तो पहले से है लेकिन लोगों पर जाहिर हो है उसका असर ठीक जी आपको सवाल का जवाब मिल गया जी वाज हो गया <स्थाथ> वलिया ताकि कर दे उन लोगों को जो ईमान वाले हैं वत्न कुम शहादा और तुम में से शुहदा शहीदों शुह, 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 को मुंतखब कर ले वह और अल्लाह जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं रखता वली और सबब कि क्यों ऐसा होता है कि कभी कुफर गालिब होता है कभी इस्लाम गालिब होता है तो पहली बात यह कि ईमान वाले ज़ाहिर हो जाते हैं मुनाफिकों से तमीज़ हो जाती है और दूसरा ये हो गया कि शहीद भी लोग हो जाते हैं अल्लाह ताला शहदा को मंतब कर लेते हैं तीसरी बात यह है कि अल्लाह ईमान वालों की सफ़ को पाक कर देता है मुनाफिक अलग हो जाते हैं वली युलादी मनु और अल्लाह पाक कर दे ईमान वालों को वयम हकल काफी और काफिरों को शिकस्त हो जाए काफिरों को जो है वो अल्लाह तिटा दे और उनको जो है वो सजा पहुंचे तो दूसरी बात यह है कि क्या तुमने ये समझ रखा है कि बगैर शिकस्त कभी भी नहीं होगी और डायरेक्ट हम जन्नत में पहुंच जाएंगे तो हसब तुम तद खुल जन्ना क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे वलमाय आलमदीना आमन वलमाय आलमदीना जाम हालांकि अभी तक, तक अल्लाह ने जाहिर नहीं किया तुम में से उन लोगों को जो जिहाद करने वाले हैं वया आलम और अल्लाह ने सबर करने वालों को अभी तक जाहिर नहीं किया है जानता तो अल्लाह ताला पहले से है अल्लाह तला पहले से जानता है लेकिन ज़ाहिर हो जाएंगे तमन्ना पहले किया करते थे मिन अन तल उससे आमना सामना करने से पहले भी तो तुम शहादत की तमन्ना किया करते थे अब उहद के अंदर अगर शिकस्त की सूरत बनी और शहादतें हो गई तो परेशान होने की क्या जरूरत है फकद तुमने अपनी आंखों के सामने फिर शहादतों को और मौत को देख लिया है तो वमा मोहम्मद में क्योंकि नबी सला अफवाह फैल गई थी तो फरमाया कि वमा मुहमद रसूल मोहम्मद सल वसलम भी अल्लाह के रसूल हैं इलाह तो नहीं है मबूद तो नहीं है वो तो अल्लाह के रसूल और पैगम्बर ही है वो दुनिया से जा भी सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कद खलत में इन कब लहिर रसुल उनसे पहले भी तो अल्लाह के रसुल गुजर चुके हैं उनसे पहले भी तो अम्बिया गुजर चुके हैं तो वो अब किधर हैं वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो अगर पिछले अंबिया दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो मोहम्मद सल्ला भी तो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं हो सकते हैं कद खलत में इन कब लहर रसुल तो अफा इमाता औु तिला तो क्या अगर वो फौत हो जाए या कतल कर दिए जाए तो क्या इनकलब तुम अला आका बिकुम क्या तुम अपने एड़ियों के बार फिर जाओगे यानी कि क्या तुम दीन छोड़ दोगे तो वनबीबी ही तो जो कोई एड़ियों के बल फिर जाएगा यानी कि दीन को छोड़ देगा तो अल्लाह का क्या नुकसान करेगा वो अल्लाह को तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता लेकिन वसैया वह शाहिरीन अल्लाह ताला साबित कदम रहने वालों को अच्छा बदला जो है वो देगा यहाँ पर शाकिरीन किन के मुकाबले में जिक्र हुए हैं काकिरीन के नहीं नहीं यहाँ पर पीछे कहा जी जी हाँ पलट जाने वालों के मुकाबले में वन कलिब मुकाबले में शाकिरीन हुए। तो शुकर का एक मतलब लोग दीन से फिर जाएंगे, तो अल्लाह उन लोगों को बदला देगा अच्छा बदला देगा जो कि साबित कदम रहने वाले होंगे तो अब जो है कि मौत आ जाती है जिहाद करने का दिल तो बड़ा करता है लेकिन जिहाद में मौत आ जाती है तो मौत के डर की वजह से जिहाद मत छोड़ो मौत के डर की वजह से जिहाद मत छोड़ो क्योंकि मौत तो वैसे भी आ जाएगी तो फरमाया किसी भी नफ्स के लिए कोई भी नफ्स मर नहीं सकता वमा कोई भी नफ्स मर नहीं सकता मगर इल्ला अला बिनिला मगर यह कि अल्लाह के हुक्म से और कब किताब अम्म माना यह है कि एक मुकर्र वक्त पर जो कि लिखा हुआ है पहले से जो कि पहले से तयशुदा वक्त है तो फिर वमई सवाबत दुनिया नोति ही मिना इस जिंदगी के अंदर जो कोई वमई जो कोई इरादा करेगा बेअमली ही अपने आमाल के जरिए जो कोई इरादा करेगा सवाबत दुनिया दुनिया के बदले का जो कोई अपने जो कोई अपने अपने अमल के जरिए इरादा करेगा दुनिया के बदले और फायदे का तो नोती ही मिनहा हम उसको दे देंगे दुनिया के बदले और दुनिया के फायदे व मयूरिद अल आखिरती और जो कोई अपने अमल के जरिए इरादा करेगा आखरत के बदले और आखरत के अजर सवाब का तो ही मिनहा उसको भी हम आखरत का बदला जो है वो दे देंगे वसन जिस शाहन और शाहकिरीन को हम अच्छा बदला जो है वो देंगे अब जजर है व कामाहू रबी यूना कतने ही ऐसे अम्बिया गुजरे हैं कि उनके साथ मिल के कताल किया है अल्लाह परस्त लोगों ने अल्लाह वालों ने कसीर उन बड़ी तादाद में फमा वाहन लिमा असाब हम फी सभी वो तो सुस्त नहीं पड़े वो अल्लाह वाले और अम्बिया वो तो सुस्त नहीं पड़े लिमा असाब हम फी सभी उन मसायब की वजह से जो उनको अल्लाह के रास्ते में पहुँचे व मा ऊफ़ ना ही वो कमज़ोर पड़े व मस्तकानू और ना ही वो दुश्मन के मुकाबले में पीछे हटे जिहाद में मुश्किल आ जाती हैं मुसाइब आ जाते हैं कभी शिकस्त हो जाती है लेकिन इस इन चीज़ों से वो लोग तो पीछे नहीं हटे और वो लोग सबर करने वाले थे और और अल्लाह ताला ऐसे तेजर करने वालों को पसंद करता है और उन लोगों का वसफ़ क्या था वमा व मा का उनकी तो बात सिर्फ एक होती थी वो ये कहते थे रब बना ए हमारे रब एना दू बना हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए व इसरा फ़ी अमरीना और हमारी 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 ज्यादती अगर हमसे हो गई हमारे मामले में उसको माफ़ कर दीजिए वह सब अकदामा हमारे हमारे कदमों को मजबूत रखिए बंसरना ललका मिलका फिरी इन काफरों पर हमें नुस, हमारी नुसरत कीजिए जब ये वो दुआ करते थे तो अब दुआ की कबूलियत फाता हु बद दुनिया अल्लाह ने उनको दुनिया का बदला भी दे दिया यानी कि दुनिया में भी गलबा और दुनिया में माल गनीमत दे दिया वह हुसनवा बिल आखिर और आखरत का बेहतरीन बदला भी दे दिया जो कि जन्नत है व्लाबलमुसन और अल्लाह तहसिन को महसिन से मोहब्बत रखता है मुखालफिन की इतात मत करो काफिरों की बात मत मानो उससे तहजीर और खबरदार किया जाता है या अयोदी आनु एमान अगर तुम काफिरों की एतात करोगे तो यदू कम अलाबिकुम तुम्हें तुम्हारे पैरों के बल फिर फेर देंगे यानी कि ईमान से तुम्हें फेर देंगे अगर तुम ईमान से फिर जाओगे तो फतन खलीबू खासन तुम नुकसान उठाने वाले हो जाओगे तसली तसली और ईमान वालों को मजबूत करता है अल्लाह ताला उनकी इताद करने की जरूरत क्या है अल्लाह तुम्हारा मौला है तुम्हारा मददगार है वह और वो बेहतरीन मदद करने वाला है मदद अल्लाह कैसे करेगा काफिरों के दिलों में रोब डाल देगा तुम्हारा सनुल्कीफी कुलू बिल्ल दिन कफ़र डाल देंगे हम यकीन काफिरों के दिलों में रोब को डाल देंगे बिमा अशरकू बिल्ला उनके शिरक करने की वजह से मालमय यू भी ही सुल्ताना उस चीज़ को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की वह वाह हुनार और इनके रहने की जगह तो आग है वह बेसमतमी और ालमों का वो कितना ही कितना बुरा ठिकाना है अच्छा अगर नुसरत का वादा है तो फिर हम मगलूब क्यों हो गए

बाद इसके के तुम्हें दिखा दिया गया था माँ तु जिस चीज को तुम पसंद करते हो यानी कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर रहा था लेकिन तुमने क्या किया तुमने नाफरमानी की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बारे में तनाजे में पड़ गए

Uh, कुछ कमी कोताही हुई या कोई uh, uh, कोताही हुई बशरी तकाजे के तहत तो अल्लाह रब्बुल इजत उसको माफ कर चुका है अल्लाह रब्बुल रबुल्जत उसको माफ़ कर चुका है अब जंग उहद के बाद जब शिकस्त हुई और ईमान वाले जो है वो भगदड़ मच गई और फैल गए और भागने लग गए तो अल्लाह ताला ने उस सूरत हाल का तस्करा किया है इस तुशूना बला तलबू अला अहद जब तुम भाग रहे थे और पीछे मुड़ देख भी नहीं रहे थे

और जो तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे उस पर तुम हुसन मत करो वह खबी अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बखूबी बाख़बर है यानी कि माना यह है कि उहद में जो कुछ भी हुआ है ऐसा नहीं है कि अल्लाह जो नुसरत का वादा है वो पूरा नहीं हुआ उसके इसबाब अल्लाह तयान किया है कि जंगद में शिकस्त जो हुई है वो हुई क्यों है अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ ये जो आयत है ना इसमें इस आयत में अरबी के सारे हरूप तहजी मौजूद हैं इस आयत के अंदर तो गम्मी। फिर अल्लाह ने इस गम के बाद नाजिल किया तुम पर अमन अतन ये ऐसी नींद ऐसी ऊँग नक्षशा क्वा फिन कुम जो तुम तुम में से एक ग्ररोह के ऊपर जो है वो तारी हो गई और वाई और दूसरा ग्ररोह जो था यहाँ पर भी देखिए कररा दोहराया जा रहा है पहले नकरा जिक्र हुआ तोन दोबारा से नकरा को दोहराया गया है वो कायदा आप लोगों को याद है कल भी उसका मैंने जिक्र किया था कि जब नकररा दोहराया जाता है तो पहले नकेरे और दूसरे नकररे से अलग अलग गुरु चीज़ें मुराद होती हैं तो पहले नकररे से मुराद ईमान वाले हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला ने शकीनत नाजिल की और दूसरे तोाईफुन से मुराद मुनाफिकीन है पद अहमत हम अन हम उनको फिक्रमंद कर रखा था उनकी अपनी जानों ने यजुल्नू नबिल्लाहक की अल्लाह के बारे में गलत गलत गुमान कर रहे थे कि अल्लाह हमारी मदद नहीं करेगा जाहिलिया और ये जाहिलियत के गुमान थे और ये मुनाफिक कह रहे थे हल्ला मिन मिन क्या हमारी कोई इमदाद की जाएगी क्या हमारी कोई मदद की जाएगी या नहीं की जाएगी हमारी ये कैफियत हो गई है मार पड़ गई है शिकस्त हो गई है क्या हमारी मदद करेगा अल्लाह कुल आप फरमा दीजिए इन अल अम्रह इख्तियार सारे का सारा अल्लाह है अल्लाह का है युफूना फी अनफुसिहिम ये मुनाफिकीन अपने दिलों में छुपा रहे थे माला युबदून अलग जिस चीज को आपके लिए जाहिर नहीं कर रहे थे यकूलूना लौ कान लना मिन अल अमर शय उम्मा कुतिलना हा हुना कह रहे थे अगर हमारे पास इख्तियार होता तो ये हमारे भाई जो जंग उहद में शहीद हुए हैं ये आज यहाँ पर शहीद ना होते ईमान वालों को ताने देते हैं कि भाई ये तुमने मरवा दिया मुसलमानों को अगर हमारी बात मानते तो ये शहादतें ना होती ईमान वालों को यह तकलीफ ना पहुंचती इसका सख्त किस्म का जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया कुल आप इनसे कह दीजिए फी अगर तुम अपने घरों में भी होते तो निकल आते वो लोग जिनका कत्ल होना लिख दिया गया था इला मज़ाजिहिम अपने गिरने की जगहों पर अपने गिर, अपने कत्ल होने की जगहों तक अगर तुम घरों में भी होते तो अल्लाह तुम्हें निकाल के ले आते वली अब तलीब और ये अल्लाह ने तुम्हें घरों से इसीलिए निकाला है ताकि अल्लाह आज़मा ले उस चीज़ को जो तुम्हारे तुम्हारे दिलों में है और उस चीज़ को पाक कर दे जो तुम्हारे दिलों में यानी कि तुम्हारा निफाक जो है वो ज़ाहिर हो जाए वल्लाम्बिदातूर और अल्लाह ताला उन चीजों को बखूबी जानने वाला है जो कि दिलों में है यानी कि दिलों के बसफ़ और दिलों के अंदर ईमान है या निफाक है अल्लाह ताला उसको बखूबी जानता है अब इस आयत के अंदर सहाबा के लिए तसली हैदीना तबल तक तकल जमानी बेशक वो लोग जिन्होंने जो लोग फिर गए थे तुम में से यौमल तकल जमानी दोनों गरोहों के टाकरे के दिन अलजम आनी दोनों लश्कर और अलतका का मतलब दोनों का टकराव तो दोनों गरोहों के टकराने के दिन तुम में से जो लोग फिर गए थे जंग छोड़कर भाग गए थे इन न मस्तु मुशान का सबू यहाँ पर इनको शैतान ने फिसला दिया था उनके बाद की वजह से बाज गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला साबित तबित छीन लेता है दीन पर साबित बाज गुनाहों की वजह से इंसान से छीन जाती है तो वलकद आफ अल्लाहम लेकिन अल्लाह ने उन सबको माफ़ कर दिया है इन गफूर हलीम ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत बुरदबार है तो अगर आज कोई बंदा ओहद के अंदर जब शिकस्त हुई और ईमान वाले भागे और ईमान वाले जो है वो फरार होने लगे इस चीज़ पर अगर कोई बंदा ताना जनी करता है तो उसको इसका कोई हक नहीं है क्यों क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ने खुद ऐलान कर दिया इस बात का कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो इसीलिए बात समझ आ गई आपको कि इस चीज़ के ऊपर साहबा के ऊपर तान का जरिया इस चीज़ को नहीं बनाया जा सकता वाजे है